ओम शांति। 21 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सेकिन में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करो? मन मना भाव और मध्याजी भाव, क्या संबंध है मन मना भाव मध्याजी भाव का मुक्ति और जीवन मुक्ति से? मन मना भाव होएंगे तो मध्याजी बनेंगे। स्पष्ट करो, मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति के साथ मन मना भाव और मध्याजी भाव का क्या संबंध है? यानी कि परमात्मा के श्रीमत पर अपने मन को मनाकर श्रीमत पर चलना है, यानी कि तो ऐसा चलने से हमारी धारणाएं अच्छी हो जाएंगी, तो मुक्ति से संबंध हो गया। और मध्याजी बने यानी कि अपना एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जैसे गुण धारण करेंगे, जीवन मुक्ति में, जीवन मुक्ति में जाएंगे। मन मना भाव से अपने सारे हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। मन मना भाव का अर्थ जैसे बताया, मन मना भाव का अर्थ है बाबा की श्रीमत बैठकर अपने मन को मनाओ, ठीक है, और फिर वो बन जाओ जो आपको बनना है। भाव मना बनना, वो बन जाओ, मतलब मन मना भाव का संबंध है मुक्ति से। मध्याजी भाव का जीवन मुक्ति के साथ कैसे? जीवन मुक्ति यानी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी मतलब हमारा लक्ष्मी एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण, विष्णु चतुर्भुज। दुनिया वाली गीता में इसका अर्थ है मध्याजी भव का, मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। परंतु वो उनका उनमें ये है, वो तो वो कहते तुम सारे कुछ और हो, मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, जो दुनिया वाली झूठी गीता है, ठीक है। और बाबा कहते कि ये तुम्हारा अपना लक्ष्य है कि तुमने अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करना है। चतुर्भुज स्वरूप को याद करना मतलब मेरे पास चार अलंकार है, ये चारों अलंकारों को किस परसेंटेज में मैंने धारण किया, कितना मैंने ज्ञान सुनाया, कितना मैंने पवित्रता को धारण किया, कितना बुराइयों को गला काटा, कितना मेरे पास कोई बुराई आने की हिम्मत ही ना कर सके, गदा को पकड़कर खड़ा रहा। तो ये जो विष्णु चतुर्भुज को याद करना माना विष्णुपुरी में जाने के लायक बनना। मन मना भाव का अर्थ मुक्ति के साथ और मध्याजी भाव का अर्थ विष्णुपुरी जीवन मुक्ति के साथ। बाप को यथार्थ पहचान कर, अब और आगे चल के बाबा कहते बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो, क्योंकि बाप को तो सारी याद दुनिया याद करती है, तुम यो माता पिता तुम यो, ये पता नहीं है वो पिता कौन है। तो अब हमें पिता को यथार्थ याद करना है। हमारा पिता ये चित्र नहीं है, हमारा पिता कोई आकृति नहीं है, हमारा पिता तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विशेष चित्र है, जिसे हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देख नहीं सकते। हमने किसी भी चित्र को देख करके याद नहीं करना, हमें याद करना है बाबा की श्रीमत के अनुसार कि वो क्या है, कैसे हैं। तो पहचान कर याद करो, और फिर जब हम याद करेंगे तो सबको बाप का परिचय भी दो, ताकि वो भी परमात्मा से अपना अधिकार ले सके। प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? कौन सा ऐसा नशा आपको हो जो आप बाप को प्रत्यक्ष कर सको, बाप का शो कर सको, उनको समझा सको कि वो जान जाए कि परमात्मा आया हुआ है। नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे, और ये नशा होना चाहिए ना, आपके नशे से उनको पता लगेगा। जैसे एक राजा के बेटे का चाल से पता लग जाता है कि राजकुमार है, ठीक है ना,
कई कोई स्टोरी भी बना देते हैं ना, कोई कई स्टोरियां बनी हुई हैं कि एक व्यक्ति गुजरा बोला ये तो है ना क्या बोलते हैं नीच जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का, ये राजा है। मतलब उसने मतलब उसके व्यवहार से उसके चाल चलन से पता लग जाता है कि ये किस वर्ग से बिलोंग करता है। मतलब तुम्हें ये नशा होना चाहिए कि भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से, हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, रॉयल चलन होनी चाहिए। हम अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है, बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी। बाप की महिमा सुनाओ और कृष्ण की महिमा भी साथ में सुनाओ। किस लिए सुनाओ, किस लिए सुनाओ, ताकि वो खुद फैसला करे कि इनमें परमात्मा कौन है। गीत, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। तो क्या विदेश वाले जानते? कोई नहीं जानता। सारी दुनिया की तकदीर बदलकर हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सारी दुनिया की तकदीर हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। सीधी लाइन खत्म। कोई भी देहधारी मनुष्य सारे संसार को नरक से स्वर्ग नहीं बना सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको कोई गाली दे ना सके। भाई जो सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाए उसे कोई गाली दे सकता है? उसे कोई कैसे गाली देगा? जिसने स्वर्ग बनाया हो, जिसने उनके दुखों को दूर किया हो, फिर तो उसको कोई गाली दे नहीं सकता। गाली नहीं कहते ना, वो कहते लीला है। नहीं वो आगे देखिए, मनुष्य ये भी नहीं जा समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा जो कलंक लगा। कैसे देखा? उसके ऊपर लगा कृष्ण ने चौथ का चांद देखा तो उस पर कलंक लगे। अरे भी चौथ का चांद कैसे देखा? क्या हो गया उस चौथ के चांद को देखने से? क्या अकेले उसने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा था? चांद निकला होगा तो हमें मालूम, उसी ने देखा होगा क्या? कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं और ना गीता के भगवान को लगते हैं। आज ये कंट्राडिक्टरी है इस मुरली के अंदर। आज ध्यान से समझना इस बात को, आगे जाकर फिर लग जाएंगे। श्री कृष्ण को, कृष्ण को कोई भी इल्जाम नहीं लगता। क्यों? गीता के भगवान को लगते हैं। दोनों पर कह दिया, वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं कलंक और ना गीता के भगवान को लगते हैं। दोनों अलग हैं। तो दोनों को क्यों नहीं लगते, पहले तो ये स्पष्ट करो कि दोनों पावन उसको कहते हैं तो उसको कलंक। परमात्मा तो है ही पतित पावन, सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाने वाला, इसलिए भगवान पर तो कोई भी कलंक लग नहीं सकता। कृष्ण इक्वल टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड थे ना, इक्वल टू गॉड कहेंगे, बाप समान है, चाहे वो एक सेकंड के लिए, तो उसको भी कोई भी कलंक नहीं लग सकता। फिर वो पवित्र है और उसने किसी को दुख दिया ही नहीं। ये तो दुख देने वाला तो है द्वापर वाला कृष्ण। जो द्वापर वाला कृष्ण है वो दुख देने वाला हो सकता है ना? वो तो कृष्ण तो किसी को दुख देने वाला है ही नहीं, दे ही नहीं सकता। तो इन दोनों को, परमात्मा को भी कोई कलंक नहीं लग सकता और कृष्ण को भी कोई कलंक नहीं लग सकता। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। क्यों भाई? इसमें दो बातें हम देख रहा हूं, मेरे को जो देखने में आ रहा है कि एक्चुअल में जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला, लगे तो तब, इनको नहीं मालूम था कृष्ण कौन है।
ये भागवत उस कृष्ण को ही जानते थे जो द्वापर वाला कृष्ण, हाँ ठीक है, जो झूठी गीता वाला कृष्ण है उस कृष्ण को समझते थे। उसने 16,108 रानियां की, तो इनको भी इस प्रकार से ये उसी कृष्ण के आधार पर चलते थे। 400 मिल गई हैं, बाकी और ढूंढ रहे हैं, मतलब ये उसी कृष्ण का जिक्र करते थे। अच्छा, ये साक्षात्कार भी करते थे तो उसी कृष्ण का करते थे, इनको शुरुआत में तो पता ही नहीं था ना, तो सारे के सारे भगत थे, जो भी आए सारे भगत थे। तो ये शुरू में उस कृष्ण को कहने के कारण, उनकी ही सारी कहानियां होने के कारण, सारे उनकी बातों को जानने के कारण, दुनिया वालों ने इनके ऊपर क्या लगाना शुरू कर दिया, दोष लगाना शुरू कर दिया। वही कृष्ण देखते थे, उनको क्या पता सत्यु का कृष्ण कौन सा है, उनको तो ये पता ही नहीं था। पहली कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इन्होंने इनको ये इसलिए था कि पवित्रता पर इन्होंने दिया, प्याज लहसुन मांस मदिरा और ये पवित्रता पर इन्होंने कहा, तो जिसके कारण इनका विरोध हुआ कि ऐसा कौन सा सत्संग है, दुनिया में ऐसा कोई सत्संग नहीं होता जहां ऐसा कहते हैं, और 900 चूहे खाकर बिल्ली हाज को चली, मतलब ये इल्जाम देना। हाँ मतलब उन्होंने उन्होंने यही कहा ना कि तू नहीं शादी आएगी, तेरे बच्चे हुए तो इन दो हमें इनको कहते मैं, हाँ कहते क्यों हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जिसके कारण समाज इनका विरोधी हुआ, कलंक लगने का कारण बना। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं, तो किस चीज के लगाए, कि उन्होंने गोपियों को भगाया या वो उन जो जेल से छुड़ाया। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं, शिव बाबा का तो किसी को पता नहीं कौन है। वो यदि गालियां निकालते भी रहे तो भगवान को निकालते रहे, जिनको भगवान समझते थे वो भगवान तो थे ही नहीं। राम को भगवान समझते थे, राम की मूर्ति रखी हुई थी, हनुमान को समझते थे, कृष्ण को समझते थे, गणेश को समझते थे, वो एक्चुअल में भगवान ही नहीं। उनको निकालते रहो कुछ भी गालियां, उनको पता नहीं भगवान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अब उनका बेटा मर गया तो ले भाई गाली निकालो इसको, भगवान को क्यों दिया था फिर तूने, कोई और मर गया या कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, कोई क्लेश आ गया, गालियां निकालना शुरू कर दिया भगवान को, तेरी पूजा नहीं करेंगे, तेरे को ये नहीं करेंगे, तेरे को वो नहीं करेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या है, ना करो पूजा। वो है कौन जिसकी पूजा कर रहे थे, पूजा मत करो, क्या फर्क पड़ता है, तुम गुस्सा कर लो उसके ऊपर, फेंक दो उसको चाहे तुम, ठीक है, उसे क्या फर्क, वो है ही नहीं, वो भगवान ही नहीं है, जिसको तुम गालियां निकाल रहे हो भगवान ही नहीं है। तो परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके, ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते, वो तो पता चल गया, ठीक है। दोनों की महिमा जबरदस्त है, दोनों की महिमा क्या है, जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर वन है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है लक्ष्मी नारायण की महिमा, क्योंकि शादीशुदा है, क्योंकि शादीशुदा है। आखिर 33-35 साल का हो गया ना, जो कृष्ण की वैल्यू है वो नारायण की वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। उस समय शादीशुदा का मतलब ये नहीं था जो अब है। वो तो सारी बातें ठीक है, 33-35 साल पुराना तो हो गया, हो गया। क्वालिटीज तो थोड़ी सी भाई पवित्र निर्विकार वाली तो कोई बात है नहीं, पर तो बात यह है कि 30-35 साल पुराना फर्क तो पड़ गया ना, हाँ फर्क तो पड़ गया ना, इसलिए इसी चीज को बाबा बता रहे ना। श्री कृष्ण तो कुमार है इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है, भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी में भी ऐसे ही गाएंगे 16 कला संपूर्ण, मतलब कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण कहेंगे, नारायण को भी 16 कला संपूर्ण कहेंगे, वो तो 30-35 साल तो कम हो गया ना, वो मतलब हम देख नहीं सकते नाप नहीं सकते कि कितना फर्क आया, परंतु फर्क तो आ गया ना, गाड़ी शोरूम से निकली बस हो गया खत्म, अब उसको उतने की कोई ना लेवे, चाहे आपने उसको चलाई ना हो, चाहे आपने उसको चलाई ना हो, सिर्फ लेके आए हो। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे नारायण को, श्री कृष्ण को तो फिर भी द्वापर में दिखा दिया, समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम जा बच्चे जानते हो,
ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, राम राज्य को भी मनुष्य समझते नहीं, वो समझते दशरथ का बेटा राम, परंतु यहां राम राज्य लक्ष्मी नारायण के राज्य को कहा जाता है, सतयुग के राज्य को कहा जाता है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर, सारा मदार है गीता पर, गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। जो दुनिया वाली गीता है उसमें ही रॉन्ग लिख दिया है। क्या रॉन्ग लिखा है? कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी। कौरवों और पांडवों की तो लड़ाई लगती नहीं। पांडव कौन? परमात्म प्रीत बुद्धि। कौरव कौन? परमात्म विपरीत बुद्धि। हमारी कोई उनसे लड़ाई है? हमारी कोई लड़ाई नहीं उनके से। तो कौरव और पांडवों की तो कोई लड़ाई लगती ही नहीं। अर्जुन की बात ही नहीं, कोई अर्जुन नहीं है जिसको बैठकर परमात्मा ज्ञान सुना। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। पाठशाला युद्ध के मैदान में कृष्ण खड़ा हो गया, युद्ध रुकवा करके अपना गीता का ज्ञान शुरू कर दे, 18 अध्याय सुना दिए, सारे बेचारे रुल गए, खड़े खड़े बेचारों का क्या हाल हुआ होगा, कितने सारे अलंकार डाल के कवच, कितनी भारी भारी सामान, और इसको ज्ञान सुनाने के लगी पड़ी है इसको। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, ये माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते, जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उनको पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं, शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। किन को टाइम लेना चाहिए? माताओं को किन से टाइम लेना चाहिए? शास्त्र तो बहुत ही बातें लिखी है ना, पंडित हैं, शास्त्री हैं, बैठकर ना उनके पास माताओं को कहा है, ठीक है ना, भाइयों को नहीं कहा है। मतलब ये ध्यान रखना है ना, भाइयों को कहीं और कहा है। माताओं की ड्यूटी लगाइए कि आप इन पंडितों के पास जाओ, शास्त्रियों के पास जाओ, उनको जाकर के टाइम लो, तो आप उनको समझाओ ना। बाबा ये थोड़ा कह रहे, आप उनसे ताकतवर बन के जाओ, उनको समझाओ, टाइम लेना चाहिए। बोलो, आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने कही है, भगवान की महिमा श्री कृष्ण की तो अलग है ना, श्री कृष्ण तो अलग है, भगवान की महिमा ये है, श्री कृष्ण की महिमा ये है, उनको बताओ। हमको तो इस बात में संशय आता है, उनको कहो भगवान की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है, ये गीता भगवान ने सुनाई कि कृष्ण ने सुनाई। ऐसे पॉइंट्स आपके पास ढेर सारे हो, उनको इकट्ठा करके ले जाओ। रुद्र भगवानों वाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, परमात्मा आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ इस प्रकार से ये रचते हैं। ये निराकार परमात्मा का ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवानों वाच, मनुष्य क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवानों वाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। भगवान की महिमा लिखो और श्री कृष्ण की महिमा ये है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है ये आप बताओ, उनसे पूछो। गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग, गीता में शब्द है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्य जी भव।
बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमत भगवानो वाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य है, गीता का भगवान तो शिव है, गीता का भगवान तो शिव है। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला क्या हो गया, मनुष्य हो गया, वो तो भगवान है ही नहीं। जिसने राजयोग सिखाया, बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वे श्री कृष्ण ने नहीं, वे आदि सनातन देवी देवता धर्म श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। वो श्री कृष्ण स्थापन नहीं कर सकता। कल पर परसों में भी था ना कि पूछो उनसे कि गीता से कौन से धर्म की स्थापना हुई, जो श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है उसे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, कौन सा धर्म स्थापन हुआ, उनसे पूछो। क्रिश्चियन धर्म आया, कुरान से मुस्लिम धर्म आया, मतलब बाकी धर्म स्थापना करने वालों ने कोई कोई धर्म स्थापन किया, पर तो गीता कहते हो भगवान ने सुनाई, भगवान ने कौन सा धर्म आकर स्थापन किया, कोई जवाब नहीं है दुनिया के पास। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबा ने मुरली में खड़े किए, हम पूछते नहीं दुनिया से। हाँ हमें पूछना चाहिए, हम पूछते नहीं। जब मुरली पढ़ते तब सोचते हैं कि पूछे, फिर पूछते नहीं। लोग बचते फिरते हैं हमारे से। अब बच्चे हमें कोई मतलब नहीं, हम पूछे तो सही ना, वो बच्चे हमारा क्या मतलब, वो बच्चे सुने ना सुने हमारा इससे कोई मतलब नहीं। आज बाबा ने कहा है कि डरो मत, हाँ आज बाबा ये बाबा सीधी बात हमें कह रहे हैं, फिर भी डरते हैं तो फिर हम क्या कर सकते। उनकी महिमा यह है, उनको तुमेव माताश्च पिता तुमेव कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को माता पिता तो नहीं कह सकते, वो तो बालक है, वो तो बालक है, उसको तो माता पिता कह ही नहीं सकते। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते हैं, मच्छरों सदृश सबको ले जाना, ये तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है, शिव परम पिता परम आत्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वे पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, और हर जन्म में उनका शरीर अलग, फिगर अलग। अब परमात्मा किसको कहा जाए ये भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए हैं, सत्य अनाथ दुखी हुए हैं, सारे अनाथ हैं तभी दुखी, कोई किसी का बड़ा छोटा है नहीं ना जो किसी को कह सके। सतयुग में जब धनके बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। वर्षा क्या है, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है, शिवाय नमः। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। सृष्टि चक्र को समझ लेंगे तो आप स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को
भाइयों को काम क्या दिया है, माताओं को तो दिया था कृष्ण के लिए, उनको जाके वहां पे, और शास्त्रवादियों को जो शहर में रहते हैं। तो उन बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए, भाइयों की ड्यूटी लगाइए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है, वहां तो बात नहीं करनी है, उनके आश्रम में जाके अकेले में बात करो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताए, हमारी बुद्धि में रहे कि हम सब मनुष्यों को बताएं कि सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं, लिबरेटर अक्षर भी है, बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो, मेरे बनो। फादर शो सन, फिर सन शो फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चों बच्चे हो सकते हैं, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य सारे संसार का बाप नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से पहले खुद समझो और फिर जो भी मिले उसके कान में डालो, उसकी खोपड़ी हिल जाए, बात तो ठीक है। तो किसी को भी बताओ, उसके जहन में बैठ जाएगी ये बात ना। कोई भी मनुष्य सारे संसार का बाप नहीं, क्योंकि उसका अपना जन्म किसी ना किसी से हुआ होगा। जिसने देह धारण किया है उसका जन्म किसी ना किसी से हुआ होगा, तो बिना देह, बिना किसी देह के माता पिता के देह का जन्म नहीं हो सकता। परमात्मा जो बिना देह का है, बिना शरीर का है, वो सबका बाप हो सकता है। वो स्वयंभू है, हम आत्माएं भी स्वयंभू हैं। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए, तुम बच्चों को समझाने का क्या होना चाहिए, बड़ा नशा होना चाहिए। नशे का मतलब है कि हर कंसेप्ट क्लियर हो, तब आपकी आवाज में बुलंद आएगा। बेहद के बाप से बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो। राजा के बच्चे तुम राजकुमार की चलन तो देखो, कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, बेचारा कौन है यहाँ, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, वो कहेंगे भारतवासियों ने कलंक लगाया तुम कौन हो, तुम भी तो भारतवासियों को, हाँ बोलो, हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर है। उनके पत्थर मार दो कोई ना कोई, और पूछे कि क्या है संगम, क्योंकि ऐसी बात करो जो उनको क्वेश्चन उठे, वो पूछे मतलब ऐसे, हाँ संगम युग पर है, तो पूछेगा क्यों हम कलयुग पे हैं, तुम संगम युग पे कैसे चले गए हो। तो कोई तो पत्थर फेंको उनके बुद्धि में ना, ताकि वो फिर पूछे। हम भगवान के बच्चे, अच्छा हम भगवान के बच्चे नहीं है, पूछे ना वो कैसे, हाँ, और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानों वाच, तुमको राज योग सिखलाता हूं, श्री कृष्ण की बात कोई नहीं। तभी तो बिल्कुल, जब उनको बताओ ना, फिर जब कहते हैं कि भगवान अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे, इस बात में दम है कि जरूर कभी भगवान ने बैठकर अक्ल बांटी होगी। उनको समझाना है ताकि वो कहें कि अच्छा है, बात तो ठीक है,
हमें चलना चाहिए। आगे चलकर समझते जाएंगे, राजा जनक ने भी इशारे से समझाया ना, इसका क्या मतलब है? राजा जनक ने भी इशारे से सम... हाँ तो क्या इशारा मिला था? ये राजा जनक ने दूसरों को दिखाया था, राजा जनक ने घोड़ी पे चढ़ रहा था, हाँ अष्टावक्र वाले, अष्टावक्र वाले, क्योंकि क्योंकि अष्टावक्र का जो फादर था वो जनक के पास जेल में था। राजा जनक ने अनाउंसमेंट किया था कि जो मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति दिलाएगा वो आए, और यदि वो मुझे जीवन मुक्ति नहीं दिला सका तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा, या तो आए ना, आए तो फिर दिलाए, नहीं तो उसको जेल में डाल दूंगा। तो अष्टावक्र का बाप जो है ना जेल में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो नहीं दिला सका बाकियों के साथ, तो इसलिए अष्टावक्र को आना पड़ा, मतलब वो आया, तो उसने कहा कि मैं आपको दिलाऊंगा। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, परंतु उस कहानी में जो ना क्या है कि कहता है ठीक है आप दिलाना है, तो कहते जी आपको लेनी है जीवन मुक्ति या सबको? बोला मुझे, बोले सबको भेजो, ठीक है न, तो आश्रम पे चलना पड़ेगा। तो जो राजा के साथ और चल रहे थे उनको कहा ये क्यों आ रहे हैं, इनको भी भेजो, तुमको लेना है ना, तुम अकेले चलो। अब राजा अपना चल रहा था, अकेला चल दिया, अकेला घोड़े पर बैठ गया, तो घोड़े पर चल रहा था राजा, कहता है आपको पहले गुरु धारण करना होगा, ठीक है जी गुरु धारण करता हूँ आपको। अब गुरु धारण करा लिया, कहते उतर नीचे, गुरु नीचे चले तो ऊपर बैठे चलेगा, उसको उतार दिया, फिर घोड़े पर बैठ गया खुद, वो घोड़ा पकड़ के चला थोड़ी दूर, फिर उतर करके, क्योंकि फिर कोई भी नहीं रहा ना, फिर उसको कहा अच्छा अब तुम इस घोड़े पर चढ़ो। तो जब उस वो चढ़ने लगा तो उसका एक पैर वो बीच में संदली जो होती है ना रखने वाली उस पर था, और दूसरा पैर उठाया, बोला रुक जाओ, हाँ बोला अब तुम कहाँ हो, ना घोड़े पर हो और ना नीचे, ऐसे संसार में रहना है, मतलब संसार से भी अलग, और ऊपर भी सिंहासन भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, जैसे अधर में हो ऐसे रहो, वह संसार में रहते हुए न्यारे और प्यारे। अनुजनक, अनुजनक तो इसको क्या कहते हैं, अनुजनक मतलब इस विचार को फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला, कि संसार में रहते हुए संसार से। चलो मतलब अच्छा है, अब अच्छा विचार है, मतलब कहने का हमें ये समझ में आ गया कि जब ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि तो लगाते हैं ना, अच्छी बुद्धि है, अच्छा विचार लगाया है, मतलब ना युक्ति तो सारे लगाते हैं, ठीक है नहीं? अब दिए अनुमान छोटा होता है, हमारी समझ में यही था। अब वैसे अनु का मतलब लिंक कैसे भी हो जाए, अब दिया को देने वाला भी बना दो तो बन जाए, हाँ। वो एक अलग बात है, हाँ। मतलब अब हम कैसे उसको बदल दे मीनिंग को, वो हमारी एक अलग बात है, परंतु वास्तविकता तो वास्तविकता है, शब्द के अर्थ तो अपने महत्व पर रहेंगे ही। खैर जनक ने भी इशारे से समझाना, जनक ने भी इशारे से समझाना, समझाया ना, परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे, ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं, परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, साइंस वाले मून पर जाने के लिए माथा मारते हैं, क्योंकि अमेरिका चांद पर गया था, अमेरिका तो एकदम अचानक उठा और गया, परंतु सच में वो गया नहीं, झूठी चित्र बना के सारी दुनिया को बुद्धू बना दिया। यहाँ है अति साइंस के घमंड में जाना, यहाँ क्या है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं, बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, चांद में कुछ है नहीं,
बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच बाप है। वे तुम्हारा भी बाप है, वे तुम्हारा भी बाप है। कौन है? शिव बाबा। किनका बाप है? बोला हमारा बाप भी शिव बाबा है, तो तुम्हारा भी बाप शिव बाबा है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पड़नी, सारी दुनिया की आहुति पड़नी है, परंतु शायद अभी देरी है, शायद अभी देरी है। ये पॉइंट्स भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाए। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके, ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भाव मध्याजी भाव, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मन मना भाव मध्याजी भाव, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है, याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ने सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है? बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास, जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं ना, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, तो इसलिए कहां चले जाते हैं? पहाड़ों पर चले जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं, यहां भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते मधुबन में। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, परले तो होती नहीं। पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, परले तो होती नहीं। परले तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, दुनिया वाले समझते हैं कि दुनिया एकदम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, परंतु नहीं। चेंज तो होती है ना, चेंज होती है। ये है ही नर्क, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। और पुरानी दुनिया क्या होती है ये भी तुम जानते हो, तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार से है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए, सफाई से समझाओ, स्पष्टता से, किसी को ऐसा समझाओ जो छत बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं, कई बच्चे कच्चे हैं, जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानो वाच भी है,
आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर क्या हो जाते हैं भगंती। यहां है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर का बनते, माया से मरे फिर जाकर ईश्वर का बन गए और ईश्वर का बनते हैं फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, बाबा को छोड़ दिया माया के बन गए। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं, तलाक तलाक तलाक, माया बड़ी प्रबल। बहुतों को तूफान में लाती है, बच्चे भी समझते हैं, हार जीत होती है, ये खेल है हार जीत का, ये खेल है हार जीत का। पांच विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशंस देती है, टेम्पटेशन लालच देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से, कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है, खेल खत्म। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्म का चक्कर लगाकर पूरा किया, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूले, भूलना है नहीं, अगर ये भी भूलते हो तो इसका मतलब है पांव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, मुरली आदि भी याद नहीं रहती है, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, ये भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने से भी लज जाती है, शर्म आती है। ये भी देह अभिमान है ना, गाली तो खानी ही है, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई, आप श्री कृष्ण ने गालियां खाई है, चौथ का चांद देख लिया था ना। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव बाबा ने, जिसको कोई दे नहीं सकता, अभी क्या दे नहीं सकता। सर्वव्यापी कह दिया, कहता कितनी गालियां निकालता है मेरे, अब आज ही का दिन है मतलब क्लास से। तो रूप सर्वव्यापी है तो परमात्मा सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ अलग चीज है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं हाँ मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब कि परमात्मा को सर्वव्यापी सीधा कहते हैं, अब उस बात को घुमाने के लिए हर एक अपने अपने युक्ति से सोचता है नहीं? जैसे ताड़न, अब ताड़न का अधिकारी, अब ताड़न मैंने ताड़ का अर्थ देखना भी होता है, अब ना समझ में आए किसी को तो डंडा उठा के खड़ा हो जाए। अब देखना और मतलब ध्यान रखना, देखना मतलब किसी चीज को, हाँ मारना समझ लेगा। तो मतलब हर एक की अपने अपने सोच है, अब कोई कहाँ से शब्द ले लिया, कोई कहाँ से शब्द ले लिया, तो अपने अपने रीति से कुछ ना कुछ तो मतलब ले ही लेते हैं। फिर श्री कृष्ण ने फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने, कृष्ण ने गाली खाई, शिव बाबा ने गाली खाई और जास्ती गाली खाई राम ने भी गाली खाई, नंबर वार है। कितने भी कह दो, डिफेम करने से भारत की कितनी कलानी हुई। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, कितनी क्लियर लाइन की है, बेइज्जती करना, फेमस
से डिफेम किया है, मतलब कितनी गलानी हुई। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, मतलब वो सीधा सा उठा के कहते हैं ना कि राम ने बताओ क्या किया, क्या किया। सीता के लिए लड़ते रहे, सीता के लिए लड़ता रहा तो यही कहते हैं। जो भी है मतलब सारी बातें है ना कि मतलब कहां कहां क्या क्या मतलब जो है ना कपड़े लगा देते हैं ना। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, बताने के लिए डरना नहीं है। एक आज नहीं कहा है बाबा ने, 69 से पहले कहा था, साकार मूल्य 69 की क्लास है, 13 जनवरी 5 दिन पहले की रात्रि क्लास है ब्रह्मा बाबा की। डरना नहीं है, हम तो फिर भी डरते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर एक, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भाव। मनसा और वाचा के मेल से जादू मंत्र करना क्या मतलब है? बाबा कहते एक साथ, आज सिर्फ दो बातें कही हैं, वैसे तीन बातें बाबा एक साथ कहते। जब भी सेवा करो मनसा सेवा, साथ साथ वाचा सेवा, साथ साथ कर्मणा सेवा, तीनों सेवाएं एक साथ करो। कि मन मन में कुछ और चल रहा है, वाचा सुनाए जा रहे हो, तो आपका मन में भी वही सेवा का भाव है भावना, और वाचा में भी वही है, तो डबल हो गया ना काम। और कर्मणा भी, कोई भी आप उस समय कर्म कर रहे हो, चाहे किसी के साथ देखना है, चाहे किसी से बात करना है, चाहे कोई एक्शन लेना है, ठीक है। जैसे शिवानी को कहना पड़ा कि बच्चों को, इन छोटे बच्चों को चुप करो उधर बैठे हैं जो, और फिर अपने आप को किया, मतलब काफी देर से डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि मैं इस चीज को नोट कर रहा था पहले से कि उधर कुछ है जो इसको बार बार उधर ध्यान जा रहा है। फिर आखिर उसको बोलना पड़ा और फिर अपने को सीट को ऐसे करके झटका दिया कि इधर बुद्धि कर उधर नहीं करना है। मतलब कहने का है कि बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से मनसा वाचा, क्योंकि दोनों को इकट्ठा नहीं लगाएंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते, ठीक। तो इसलिए अपने आप को उधर से बुद्धि को हटाया कि भी वो करते हैं शोर करने दो, मुझे अपना काम करना है। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भाव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे ये तो जादू हो गया, क्योंकि तो आपकी मनसा भी श्रेष्ठ है और वाचा भी श्रेष्ठ है तो नेचुरल है, और कर्मणा भी श्रेष्ठ हो जाए तो सारा वातावरण क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा, बैलेंस, जादू हो गया हो। जैसे मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, कितना भी मेहनत करेंगे परंतु दिल शिकस्त नहीं होंगे कि मेरे पति डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं, कितना बड़ा संगठन होगा उन सब के साथ रहने में आपको घबराहट नहीं होगी। कई कहते हैं भाई मैं इतनी भीड़ में नहीं रह सकता। अरे भाई क्यों नहीं रह सकते, क्या है उसमें, भीड़ क्या कहती है, खाती है, जैसा माहौल हो उसमें डल जाओ। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। मनसा वाचा दोनों से मिलकर सेवा करेंगे तो एक विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता
और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे, पूरे पूरे क्या बनेंगे, निर्विकारी, विकार रहित बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस असार संसार से सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है जी। सार कहा जाता है जैसे मौसमी में जूस, जूस सार कहा जाता है रस को, जूस को। अब हमने मौसमी का जूस निकाल लिया, अब वो क्या है? असार है ना। हमारे अंदर जो गुण थे, हम आत्मा में जो गुण थे वो हमारे जीवन से चले गए, अब वो निरस हो गया ना जीवन। सार खत्म हो गया, रस खत्म हो गया, क्योंकि जब तक हमारे जीवन गुणों से भरपूर था तो हमारा जीवन सार युक्त था। अब इसमें सार नहीं रहा, अब इसमें रस नहीं रहा, निरस हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। सार तो गुणों से होता है ना, अब गुणों से तो सार नहीं होता है ना। मन कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं, कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है, सातों गुण नहीं है। सातों गुण खत्म हो गए तो क्या है फिर उसमें? जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता सातों गुण थे, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में क्या गए हैं? पंच भूतों की प्रवेशता है। चाहे पांच भूत काम विकार लोभ मोह अहंकार कहो, चाहे देह कहो, देह की प्रवेशता हो गई है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर, इस संसार को क्या कहा जाता है? भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है। जहां कोई भय नहीं, जहां कोई भय नहीं तो निर्भयता का संसार कोई होगा जहां ले जा रहे हैं, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पापों का सागर कहते हैं। ये संसार क्या है? पापों का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो सतयुग को चाहते हैं तो एक सतयुगी सार, मतलब एक तो है दो दुनिया, तो दुनियाएं तो दो है ना, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं, चाहे सार वाली चाहे असार वाली। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।